सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम जाने थे कि आप SBI पर ऑनलाइन RD कैसे क्रिएट करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो जो RD आप क्रिएट कर दिए हैं उसको आप अगर आप क्लोज करना चाहें तो वो क्लोज कैसे करें। इससे पहले मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम पहले इंटरनेट ओपन करेंगे। चलिए गूगल ओपन करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी हमको सर्च करना है ऑनलाइन SBI। इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। अभी हमको पर्सनल बैंकिंग पे लॉगिन करना है। अभी यहाँ कंटिन्यू लॉगिन है, इस पर क्लिक करना है। अब जो आपका यूजर नेम पासवर्ड वो सब डाल देना है। अब इधर ये जो कैप्चा है इधर इसको टाइप करना है। अब लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उस OTP को इधर डालना है। अब सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद डिपॉजिट है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए रिकरिंग डिपॉजिट है, इस पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद इधर देखिए क्लोज AC है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं क्रिएट किया था जो 3 मई 2023 को क्रिएट किया था, 3 मई 2024 को मैच्योरिटी है, इसको मुझे क्लोज करना है। तो इधर प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पूरा डिटेल है, आपका RD अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में क्रेडिट होगा वो अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल है। अब यहाँ आपको रिमार्क देना है क्यों आप ये RD क्लोज करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं नीड मनी, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और एक OTP आएगा, इसको इधर डालना है। अब कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब बस आपका जो RD अकाउंट क्लोज हो चुका है और आपका पैसा आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर क्रेडिट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।